यार क्या जाम है यार। स्मार्ट सिटी सच बता रहा हूँ, कैसे बनेगी? बनाने से बनेगी भाई। बजाज के शोरूम किधर है? यहाँ पर लगी हमारी आरएस, पर हम ना आज शायद इसको लेके नहीं जा पाएंगे। बाइक देखने में बहुत मस्त है, कसम से कह रहा हूँ। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस देख सकते हो आप, आ चुके हैं नए ब्लॉग को लेकर। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि हम लेने जा रहे हैं अपनी आरएस की डिलीवरी। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि विश्व आज आरएस मतलब खरीद रहा था, तो आज हम उसकी डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पर, और यहाँ से सीधा हम हाईवे की तरफ निकल रहे हैं। बाकी यार आज फिर से मेरे माइक का थोड़ा इशू है, तो माइक मैंने फिर से नहीं लगाया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा तुम्हें मतलब वीडियो में दिखना पड़ेगा ऐसे ही, मतलब थोड़ी सी आवाज़ का इशू हो सकता है। तो चलो फिर अभी जा रहे हैं हम हाईवे की तरफ ही सीधा, और यहाँ से निकलते हुए सीधा मिलते हैं आपको बड़ी ब्रांड में जाके। यहाँ जाम लगे हुआ है यार, ये बात है कहीं कब जब भी तुम्हें कहीं जाना है तुम्हें जाम ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ देख सकते हो फिर से जाम लग गया, सुबह से चार बार जाम में फंस चुके हैं हम। तो यार आज हम अपने पैंथर को लेके आए थे, तो अभी हम जा रहे हैं आरएस को लेने के लिए। तो बाकी देखते हैं सीना, अब यहाँ से जाना पड़ेगा यार, जाने दो। अब आ रहे नेक्स्ट ब्लॉग, आ रहे नेक्स्ट ब्लॉग देख लेना। लड़का पूछता है कि आपके चैनल का क्या नाम है। तो फाइनली कहीं पे जाम से बच के हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, और अब दौड़ाएंगे अपनी बाइक को पूरे फुल पावर। जाम ज्यादा देखने को मिल रहा है, रोड कम देखने को मिल रहा है। रोड देखो क्या रोड है भाई, जम्मू में कब रोड बनेगा? स्मार्ट सिटी बोल बोल के स्मार्ट सिटी नहीं बनती उसके लिए। यार क्या जाम है यार, जिस दिन माँ घर से निकलो जाम मिल जाता है, कभी बारिश पड़ जाती है। लॉक की ऐसी तैसी होती है सारी, जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना भाई, तुम लोगों को बोर हो जाते होंगे जाम वगैरह देख के। जब खुला रोड हो भाई, दौड़ती है अपनी गाड़ी, फिर मज़ा आता है यार। ऐसे में कोई कटिंग भी क्या करे, कोई आगे पीछे गिर जाए अपने यार, ये देखना। तो शुक्र है यार थोड़ा जाम कम हुआ है। तो अभी हम पहले पेट्रोल फिल करेंगे बाइक में, क्योंकि खत्म होने वाला बाइक में, पेट्रोल फिल करते हैं फिर देखेंगे चीज़ें। तो यार जाम से निकल के अभी आए थे, और ये रोड देखा भाई यार, जम्मू स्मार्ट सिटी सच बता रहा हूँ, कहने से नहीं बनेगी, बनाने से बनेगी भाई। मिनट मिनट में छोटे छोटे गड्ढे आ रहे हैं, फिर रोड आ रहा है, गड्ढे आ रहे हैं, रोड आ रहे हैं। कैसी सिटी है, और बड़े दूर देख लो भाई, कहाँ की सिटी है जम्मू स्मार्ट सिटी भाई। फिलहाल अब जा रहे हैं उसी की तरफ, क्योंकि अभी हम यहाँ से पार करते हैं बड़ी ब्रह्मा, और आगे मैं जगह का नाम भूल जाता हूँ बार बार, जहाँ पर हमें जाना है। लोकेशन मेरे को पता है, लेकिन मेरे को जगह का नाम याद नहीं है। तो चलो अभी चल रहे हैं, अभी हम वहाँ पे ही उसी तरह वहाँ जाकर मिलेंगे। भैया भैया बजाज के शोरूम किधर है? कितना आ गया? ठीक है। तो यार मेरे को ना रास्ता भूल गया थोड़ा, तो भैया से पूछा तो मेरे को याद आ रहा है कि आगे की तरफ है, क्योंकि रोड ना मोड़ सारे एक जैसे हैं, इतना पता नहीं चल रहा है कहाँ पर कहाँ नहीं। तो भैया बोल रहे हैं यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, तो चलो अभी चलते हैं आगे। ये बार पहुँच चुके हैं यार, ये शोरूम है ही बड़ी दूर, तो मतलब थोड़ा यहाँ पर ना कन्फ्यूजन हो जाती है आने में। और जो छन्नी वाला शोरूम है यार, वो रद्दी शोरूम है, वहाँ पर ना आर एस के बारे में बोला, वहाँ से मतलब बहुत वेटिंग दिखा रहे यार। यहाँ पर थोड़ा दूर आके चलो मिल दो अपनी बाइक, चलो अभी यहाँ पर अभी पार करेंगे अपनी बाइक, फिर देखते हैं सीन है। भाई भूल गए थे ना, हाय। तो यार अभी पहुंच चुके हैं शोरूम में, फिलहाल भूल छूल के जैसे भी हो रही है। लड़का है इसकी बाइक अभी मतलब अंदर सर्विस सेंटर में लगी होगी। तो यार ये देख सकते हो, ये बाइक है जो हम ले रहे हैं विश्व की, भाई पूरी न्यू है, इसको पन्नी की शक और थी कि पुरानी है। तो देख सकते हो, इसी को टेस्ट ड्राइव करके दिखाएंगे यार आपको, मतलब बड़ी सेक्सी है मेरे हिसाब से। तो इसका मीटर कंसोल देख सकते हो, चेक करो यार। चलो अभी फिलहाल तो इस पर नंबर प्लेट शायद आज फिट नहीं होंगी, आज तो हो नहीं पाएंगी बोले हैं, कल परसों आएंगे। तो बाकी फिर चलते हैं देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। तो गाइस यहाँ पर लगी है हमारी आरएस, पर हम ना आज शायद इसको लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस पर नंबर प्लेट नहीं है। तुम देख सकते हो अभी यहाँ पर नंबर प्लेट बोल रहे हैं आज नहीं लग पाएगी, पता नहीं क्या सीन है, नंबर प्लेट आई नहीं है शायद इसकी, तो उस वजह से हम शायद नंबर प्लेट को नहीं ले जा पाए, मतलब सॉरी बाइक को नहीं ले जा पाए। लेकिन बाइक देखो यार, बाइक देखने में बहुत मस्त है कसम से कह रहा हूँ। अरे यार आज का दिन ख़राब हो गया हमारा, हम सोच रहे थे
हम सोच रहे थे आज ही बाइक ले जाए, लेकिन यार क्या करें, अब शायद हमें आना पड़ेगा किसी और दिन टाइम निकाल के, तो मतलब परसों तक शायद नंबर प्लेट आ जाए, तो इंस्टॉल होकर आ जाएंगे। तो भाई असलम ज़्यादा खज्जल हो गया हमारे साथ आके, अब इसको हमें पता नहीं था कि ऐसा सीन होगा, हमें लगा बाइक तैयार है ना, बोल रहा था कि बाइक ले जाना, पर यहाँ के देखते क्या सीन है, नंबर प्लेट लग जाते तो आज ले जाएंगे, नहीं तो फिर किसी और दिन ले जाएंगे, निकलना ही पड़ेगा, क्या करें। असलम भाई भी जा रहे हैं, मतलब मैं भी जा रहा हूँ, हेलमेट उसके पीछे है, वो लगा लेगा। ये भैया भी हमारे साथ ही आए थे, अब ये भी जा रहे हैं, तो दो बाइक्स अभी हैं हमारे साथ, अगर तीसरी हो जाती तो हम चले जाते, पर आज ये मिल नहीं पाएगी क्योंकि नंबर प्लेट इसमें नहीं है, और नंबर प्लेट लगवाने में 2 दिन तो लगेंगे। कोई बात नहीं, अपनी बाइक है, 2 दिन बाद मिलेगी हमें, कोई सीन नहीं, तो 2 दिन बाद ही आते हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पर। तो चलो अभी चल रहे हैं असलम के साथ ही। सर अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे वापस, तो वहाँ से होके आ गया, वहाँ मेरा मन नहीं किया ब्लॉक करने का क्योंकि यार मूड ही खराब हो गया था, वो मतलब सर्विस सेंटर वाले ने फोन करके बोला कि अपनी बाइक ले जाओ यहाँ से, फिर वहाँ जाके बोलने लगे ऐसे ही ले जाओ बाइक, नंबर प्लेट नहीं लगेगी और सीज वगैरह भी तो आपकी जिम्मेदारी, भाई ये कौन सी बात है, इतना अब हम इतना पैसा दे के बाइक ले रहे हैं तो कल को मतलब कि कोई सीज कर देगा बाइक, वो सोचेगा कि चोरी की बाइक है, चोरी की बाइक है तुम बताओ, ये कोई अच्छी सर्विस लगी नहीं, मैं वो जाकर फिर हमने बोला नंबर प्लेट्स कब लगेंगी, बोलते परसों आगे नंबर प्लेट ले जाएंगे ले जाओ, फिर हमने बोला आरसी तो मिल दोगे ना परसों, बोलते आरसी के लिए 4 दिन और वेट करो, यार जैसे उनके अकाउंट में पैसे आए ना उन्हें सब कुछ ऐसे ही गलत कर दिया, ये चीज़ बहुत गंदी लगी बजाज की मेरे को, तो अगर कोई बजाज का बंदा ये चीज़ वीडियो देख रहा तो भाई ये चीज़ सुधारो आप। तो चलो फिर क्या करना है, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको शायद डिलीवरी देखने को मिल जाएगी, परसों चौथ जाएंगे शायद डिलीवरी करेंगे, तो बाकी फिर मिलते हैं उसी ब्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट, बाय बाय।